सतगुरु स्वामी जगत विधाता, सतगुरु स्वामी जगत विधाता, नाम भेद समझाए, नाम भेद समझाए, दया कृपा कर सतगुरु सतगुरु से हमको नामदान मिला, गुरु मंत्र मिला, वो सतगुरु हमारा पूरा होना चाहिए। अंदर में शब्द सुनाई पड़े, देववाणी ब्रह्मवाणी सुनाई पड़े, राम कृष्ण के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, स्वर्ग वैकुंठ के दर्शन हो, जीते जी मरने के बाद उस नाम भजन में इतना प्रताप हो, उस गुरु की इतनी दया कृपा हो कि जब हम नाम भजन करें
तो मालिक की पूरी दया कृपा मिले। जब मालिक की दया कृपा मिले तो उसका गुणगान हम भी करेंगे। अंदर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा तब तो मन लगेगा, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा मन नहीं लगेगा। अंधियाला अंधियाला अंधियाले में क्या देखेगा, थोड़ी देर किया उसके बाद में छोड़ दिया। तो जो हमारा संत सदगुरु होता है वो बताता है कि देखो तुम इस तरह से सुमिरन करना, इस तरह से ध्यान करना, इस तरह से भजन करना, सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। प्रेमियों, सुमिरन की ज्वाला से अंदर के जो कर्म बीज हैं वो जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो इधर की आंख खुलती है, दोनों आंख के अलावा एक तीसरी आंख है, यहाँ पर शिव नेत्र उसको कहते हैं। जब वो खुलती है तो स्वर्ग के दर्शन वैकुंठ के होते हैं, शिवपुरी ब्रह्मपुरी के होते हैं, प्रभु राम के होते हैं और वो पर बहुत से लोगों के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे ये सूरत जीवात्मा उस तरफ जाती है, राम नाम है हो जाता है, पर राम राम में लगन तभी लगेगी जब तुम्हारी लगन गुरु में हुई। कि तुम्हारे गुरु महाराज ने जो बताया वो सत्य है, सच्चा है, गुरु सर्वव्यापी है। इसीलिए कहते हैं गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान का। गुरु ने भगवान को देखा है, प्रभु को देखा है, तब वो बता रहे हैं कि भगवान इस तरह का है, तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा, तुम भी नाम भजन करना। तो प्रेमियों, जब गुरु पार ब्रह्म है और गुरु ही भगवान का है, भगवान है, तो हमता हमारा कुछ नहीं कर सकता, परेशान कर सकता है हल्का फुल्का, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, सुबह और शाम, सुबह 4 बजे उठ गए, फ्रेश हो गए, थोड़ा सा कुल्ला हाथ धो लिया करके माला लेकर के बैठ गए, आंख बंद करके उस प्रभु का भजन करने लगे, श्वासों पे मन ही मन में। देखो जो श्वासों पे होता है उसी को कहते हैं भजन। जब मंदिर में जाते हो तो कहते तो हो कि जय माता दी, जय शंकर भगवान की, जय बम भोले की, जय बजरंगबली की, जय प्रभु राम की, लेकिन जब प्रसाद चढ़ाते हो, मत्था नवाते हो तो अंदर मन से बोलते कि ये प्रभु दया, बाहर वाले मुंह से नहीं बोलते, अंदर मन जो है अंतर के मन से बोलते, तो प्रार्थना स्वीकार होती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तो उस समय कुछ नहीं कहते हो, जल चढ़ाते हो पर देखते हो कहते हो प्रभु ये आपको अर्पण कर रहे हो, जमीन में गिरा ऊपर नहीं जा रहा, फिर भी आपको आत्मबोध हो रहा है कि ये जो है जल हमारे प्रभु सूर्य भगवान को अर्पण हो रहा है। तो प्रेमियों, जब तक आत्मबोध ना हो, आत्मज्ञान ना हो, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब आपको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी कुछ मिले। प्रभु ने ये बताया है कि ये मनुष्य तन जो तुमको दिया है ये भजन करने के लिए, नाम भजन करो और अपने प्रभु को प्राप्त कर लो। यहाँ आते हैं लोग, खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं, बाल बच्चों की सेवा करने में, और जिस काम के लिए आए वो काम नहीं किया। अंत समय जब जाने लगते हैं तो जो ले जाने लगते हैं शमशान घाट, परिवार वाले मोहल्ले वाले, तो कहते राम नाम सत्य है, सत्य गुरु मूर्ति है। हमेशा बताया जाता है, रामायण भी वही बताती है, गीता भी वही बताती है, किसी भी धर्म के लोग
हूँ, अगर सत्यता बताते हैं तो उसमें ये है कि हरि का भजन करना पड़ेगा, प्रभु का भजन करना होगा। अगर हरि का भजन प्रभु का भजन नहीं किया तो उसमें आपको दुख। प्रार्थनाएं अगर हर का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया, यम दूत लगाकर तुमको ले जाएंगे हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा? आखिर कौन छुड़वाएगा? यहाँ तो पुलिस दरोगा थाने वाले आए, अगर पकड़ के ले गए तो 10 लोग गए, 5 हजार ले लिए, या साहब हाथ जोड़ते हैं से छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई गलती नहीं की, बड़ी बार जेल जाएंगे, जमानत होगी, मुकदमा चलेगा, कब क्या होगा, छूट जाएंगे। वहाँ कहते यम की अदालत पर जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तब क्या कहोगे? नर्क बीज घोर दुख सहना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो काया है, ये जो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये कुटी, इसको कुटी कहा है, घट कहा है, इसको कई चीज कहते हैं। तो इस अपनी कुटिया में बैठ करके जो राम नाम रूपी मणि यहाँ पे रखी है, जिससे उजियाला हो रहा है, ये बोलता बोल रहा है, चल रहा है, उस मणि को चमकदार बनाते हुए उसको देखना है कि मणि हमारी कहाँ है, उसमें राम राम को देखना, उसमें सतगुरु को देखना। अगर उस सतगुरु और राम राम को नहीं देखा, आप लोग सोचते होंगे ये शिव नेत्र शंकर भगवान के पास होगा, हमारे पास आएगा, इन दोनों आंखों से जब दिखाई पड़े मंदिर में भगवान जी, वही भगवान जी, अब अंदर में भगवान जी कहां से दिखाई पड़ेंगे? ये प्रेमियों धोखा है, तुम्हारे अंदर में आंख है, शिव नेत्र, एक आंख एक नाक और एक कान तुम्हारी जीवात्मा में, जो तुम्हारी जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो जीवात्मा है, जिसको जीव कहते हैं, उसमें ये सब है। जब आप सोते हो, आपने सोचा अब अंदर में सो गए, देखा विठूर जी गए, गंगा में स्नान किया, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, और जब सुबह आप खुली तो रात में तुम विठूर गए थे, स्वप्न देख रहे थे, तो ये दोनों आंखें तुम्हारी बाहर वाली बंद थी, तो कौन सी आंख से आप देख रहे? मन की आंख से तो देख रहे थे, जीवात्मा की आंख से ही तो देख रहे थे, तो उसी तरह जैसे आप सोते में देख रहे थे। तो जब नाम भजन करोगे, सत्या गुरु करोगे, सतगुरु के पास जाओगे, तो तुम्हें जीते जी सैन में नहीं बैन में दिखाई पड़ेगा, मतलब बैठ करके जब करोगे साधना तब दिखाई पड़ेगा। आप देखते होंगे संतों की समाधि लगाए हैं, समाधि लगाए बैठे हैं, अंदर में क्या जप रहे, कुछ वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर जप रहे, अंदर अंदर स्वर पे नाम चल रहा है। तो भगवान बाहर से चले आओ, भगवान चले आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इस तरह तुम्हारा लड़का आएगा, लड़की आएगी, टोले मोहल्ले वाले आएंगे और आपको कहेंगे कि ये पागल है, भगवान के लिए आता है। वही चीज अंदर में आपको कारवाई है, प्रभु आ जाओ, जो बूंदा आंसू की गिराओगे और सच्चे मन से हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो जाओगे, तो कहीं पर भी मंदिर हो या ना हो, सबसे अच्छा असली मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर यही है, जो हमारा तुम्हारा मंदिर, और इसमें देवी देवताओं की बैठक है, इसके अंदर देवी देवता बैठे हुए हैं, आप जान रहे हो कि नहीं, कुछ नहीं, अरे इसमें 2400 घंटा और दो फिल्म बनाने वाले बैठे कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, इधर बना रहे, इधर दोनों कंधों पे वो बैठे हुए, और सबसे
बड़ा जो है कैमरा तो यही है तुम्हारी आंख दोनों यही फोटो खींच रही है। आज ये क्या आज हमने क्या कोई गड़बड़ चीज देख लो एक्सीडेंट सामने हो जाए तेरे पास रात में नींद नहीं आएगी देखो समय ऐसा हो गया। वही चीज जो है और जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो पूरी की पूरी इसी में भीड़ रहती है दिमाग में। तो प्रेमियों इस मनुष्य रूपी मानव पर भी 10 दरवाजे इसमें 10 दरवाजे हैं। इस शरीर में 10 दरवाजे हैं। वैसे तो बहुत से दरवाजे हैं छिद्र बहुत है रोम छिद्र बहुत है जिससे पसीना निकलता है वायु स्पंदन होती है और उधर होता है पर दरवाजे 10 इसमें 10 दरवाजे में 9 खुले हुए हैं 1 दरवाजा बंद। और 5 कुंडलियां 5 पे देवी देवता बैठे हैं। अब जो देवी देवता नाराज हो जाए बस समझो काम का शरीर काम नहीं कर रहा है क्या करें। तो शरीर काम नहीं कर रहा तो शक्ति की कमी हो गई। शरीर में अगर शक्ति होगी ताकत होगी तो शरीर अच्छे से चलेगा और शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य जीवन में भोजन दूध घी फल सब्जी अनाज सूखे गीले मेवे इन चीजों को खाओ और अंदर में ऊर्जा प्रकट करो और अंदर में आज अनाज में गुण निराकार शिव शिव और शक्ति हमारे अंदर में भी ये वक्ष चक्र जिसको छाती कहते हैं वक्ष कहते हैं वक्ष चक्र यहाँ पर शिव शक्ति विराजमान तो शक्ति प्रदान करेंगे। पर जब सात्विक आप रहेंगे तब शाकाहारी सदाचारी होकर के ही सारा काम बनता है। मंदिर में जाते तो महात्मा जी कहते भैया भगत हो जाए किसी अखाद्य वस्तु की सेवन मत करना। हर जगह मंदिर मस्जिद में ही सिखाया जाता है चर्च में अब मानो ना मानो भाग जाने तुम्हारा सोने को जाओ संदेशा। अब प्रभु राम ने किसको मार जो मदिरा पान करते थे मांस भक्षण करते थे पर स्त्री पे कुदृष्टि डालते थे चोरी डकैती हिंसा आदि करते थे उन्हीं को तो राक्षस कहा जाता है। और जो अच्छा काम करेगा उसको कौन कहेगा कि ये राक्षस है तो कहेगा भाई देवता है देवता समान और अच्छा काम ये राम राम का सच्चा जो है भक्त है। तो राम राम के सच्चे भक्त को कोई कुछ नहीं कहता। सच्चे भक्त को क्या मिलता है दीन गरीबी बीमारी। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि अब सच्चे भक्त को दीन गरीबी और भजन दीजिए कि तुम्हारा भजन करता है बीमारी मत दीजिए। बीमार हो गया तो बेचारा खांसने लगेगा बुखार चढ़ गया तड़पने लगेगा राम तो करेगा लेकिन सच्चाई से नहीं हो पाएगा। और अगर दीन गरीबी और भजन दे दिया तब तो हो जाएगा। एक रोटी खा कहा प्रभु की बड़ी दया है कम से कम एक रोटी मिल गई है अब इसको खा करके अब मालिक का हम सच्चा भजन करेंगे। तो सच्चा भजन ये दोनों आंखों को बंद करके यहाँ जहाँ आप लोग बिंदी लगाए हुए हैं यहाँ पर मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करते हैं शिव नेत्र हैं तुम्हारी तीसरी आंख यही आप खुलेगी तो प्रभु का दर्शन होगा। तो अंदर मन में इन दोनों नयनों को बंद करके इस आंख पर देखते हैं कि हमारे मालिक का दर्शन होगा। और जब आप प्यास लगा करके बैठेंगे तो मालिक का दर्शन अवश्य होगा। और जब आप कहेंगे कि पता नहीं मालिक है वो प्रभु है या नहीं जबकि रोज सुबह आप स्नान करते हैं तो घर में जो मंदिर बना है उसमें स्नान करने के बाद जो अगरबत्ती धूप बत्ती या दिया बत्ती लगाते हो
सुबह और शाम को और कहते हो परसों सात बजे उठा। ये प्रभु जी हम अलग जगह जा रहे हैं, हमें ये चीज मिल जाए। अरे वो प्रभु जी से प्रार्थना करो, ये प्रभु जी आपकी दया कृपा हो जाए। अगर आपकी दया कृपा हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु तो दाता है देगा। और इस तरह से कहो कि हे मालिक हर प्रकार से दया कृपा करो, किसी प्रकार से बाकी ना हो। अगर हर प्रकार से दया कृपा हो गई तो कुछ भी छूटेगा नहीं। आपने कहा ये प्रभु हमारा दांत दर्द कर रहा है, ये ठीक हो जाए, मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। भगवान जी ने तो दांत दर्द ठीक किया दिया, पेट दर्द हो गया। तो हे प्रभु दांत दर्द के साथ सारे रोग खत्म हो जाए, कोई परेशानी ना हो, हम आपका गुणगान करते रहे। तो प्रभु की ये बगिया, हम सब उस प्रभु के बगिया के फूल है, पेड़ है, पौधे हैं। जब अब ये देश इस तरह का है, ये मृत लोग, ये मृत लोग है, यहाँ नाशवान चीजें, केवल अजर अमर क्या है, जीवात्मा सूरत और प्रभु, दो ही चीज। देखो मकान बनता है बिगड़ता है, उसी तरह ये शरीर बनता है और बिगड़ता है। मृत हो गई, शमशान में जला दिया, पानी में डाल दिया या गड्ढे में दबा दिया, तीन काम होते हैं खत्म, उसका काम खत्म और नई उत्पत्ति होती रहती है। तो ये देश नाशवान और यहाँ कर्म विधान बना, कर्म विधान विश्व रच राखा जो जसकीन दास फल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो तो यहाँ करोगे भरोगे है ही। इसके बाद में अभी हमने पीछे बताया था कि हम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तब क्या कहोगे। जब यमदूत की तुम्हें ले जाएंगे और धर्मराज की अदालत में खड़े करेंगे, जैसे अब यहाँ हैं आप अदालत में गए तो वहाँ गवाही होगी, भाई इन्होंने क्या क्या किया, वकील भी लगेंगे, जिरा होगी। उसी तरह तुम जब जाओगे वहाँ तो तुम्हारी पूछेगा, दिखाएगा तुमने ये किया, आप कहोगे हमने नहीं किया, तो नर्क के बीच में घोर दुख सहना पड़ेगा। और अगर आपने भजन किया है वहाँ अदालत में, कौन वकील है, सतगुरु को याद किया तो जाएगा और तुम्हारा पर्चा ले लेगा उनके हाथ से और तुम्हें ले आएगा, तुम बच जाओ। नहीं क्या क्या होगा कुछ पता नहीं। ये आप देख रहे हो हर जगह नाना प्रकार की जातियां, हमारी तरह ये भी ये इंसान थे और आगे इंसान होंगे, ये भोगी होंगे, ये भोग रहे हैं और हम कर्तव्य किए उन्हीं ने। अगर मनुष्य जीवन मिल करके हमने इसे सार्थक नहीं किया, अपने भी घर नहीं पहुंचाया, तो ये जो मिट्टी का बना मकान, लोहे सरिये ईंट गारे का बना मकान, समझते हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं। जब ये खुद का तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मकान का बना। इसलिए तुमको उस प्रभु का भजन करके उस प्रभु के दरबार में जो तुम्हारा सच्चा मकान है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो ईश्वर है उसका ये अंश है, तो इस अंश को अपनी वंश में जाना चाहिए, अपने ईश्वर के घर जाना चाहिए। यहाँ जो तुम्हारे कर्तव्य है उनको करो, कोई नहीं मना कर। एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को भजन करो। अगर शाकाहारी सदाचारी रहोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की हानि बीमारी नहीं होगी, ना तुम्हें किसी प्रकार की कमी होगी। संत सदगुरु के रहोगे, प्रभु के रहोगे तो गलत काम होगा ही, डर लगेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रेमियों कर्मों के अनुसार आवरण आते हैं, कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है।
पर कर्म अच्छे किए भी है। अब आप देख रहे हो कि सामने हमारे 5 मंजिला मकान बना है, इसके 5 गाड़ियां हैं, बेटी बेटा सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, नौकर चाकर सब कुछ है, और हमारी छोटी सी झोपड़ी। उसने पूर्व जन्म में कमाई किया, उसका फल उसको मिल रहा है। आपने जो कमाई किया है वही तुमको फल मिल रहा है, पर वो शायद तुमसे ज्यादा दुखी हो, क्योंकि अंदर में आपने झांक करके नहीं देखा। अब 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो 5 फैक्ट्रियां होंगी, 5 प्रकार के धंधे होंगे। आपकी झोपड़ी तो शायद आप बेलदारी का काम करते हो, या ठेला लगाते हो, या छोटा मोटा काम करते हो, कि दिन भर काम करके थक जाते हो, शाम को बनाया खाया, राम का नाम लिया, सो गए, कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो बेचारा जब आएगा तो यहाँ की गणित वहाँ की गणित, सर दर्द करने लगा, नींद नहीं आई, तो नींद की गोली लेना शुरू कर दिया। जब नींद की गोली कितने दिन बाद में उस नींद की गोली का साइड इफेक्ट हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बेचारा नाम शत्रु हो गया। तो इतना बड़ा जंजाल, इतना बड़ा भौजाल पार करके क्या करोगे? मालिक ने दिया जो उसी में खुश हो, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मोरा यार हकीरी में, जितना कुछ दिया है प्रभु ने उसी में खुश रहो। और कहो हे प्रभु ये आपकी दया है, जब भोजन कर दिया तो भोजन की थाली पर बैठो तो हाथ जोड़ो, यानी कि निकाला और शुरू कर दिया, पहले हाथ जोड़ो कि हे प्रभु आपकी दया से कृपा से भोजन प्रसाद मिला, आप भी ग्रहण करो, तत्पश्चात मैं भी इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा। एक बार हाथ जोड़ करके सायन बंद करके कहो तो प्रसाद बन जाएगा, उसको खाओगे तो अमृत के समान शरीर में लगेगा। प्रेमियों, शुद्ध और अशुद्ध कमाई होती है, किसी की कमाई मेहनत ईमानदारी की है और किसी की कमाई बटवारी की है। अब क्या करें, ये तो दुनिया है, यहाँ कर्म विधान है, किस तरह क्या चल रहा है उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब है प्रभु के नाम से, राम के रतन से, राम की लगन से, हरि के मिलन से, कृष्ण के मिलन से, सतगुरु के मिलन से। अगर सतगुरु मिला तो सबको मिलवा दे, बिना गुरु किए कोई भवसिद्ध पार नहीं होता। कहते हैं गुरु बिन भाव निध तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर संग, भगवान शंकर के बराबर हो बिना गुरु किए उतरने वाला नहीं। गुरु ज्ञान बताता है और कुछ नहीं बताता, गुरु सिर्फ ज्ञान बताता है, ज्ञान रूपी अभिलेख प्रज्वलित कराता है, और उससे जो कर्म बीज होते हैं, गंदी चीजें होती हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप जो पूर्ण कर्म है वो तो रहते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में पाप और पुण्य जो कर्म होते हैं, फिर पूर्ण कर्म भी धीरे से खत्म हो जाता है। जब पूर्ण कर्म खत्म हो जाता है तो अब कांटा बराबर हो गया, कांटा बराबर हो गया, अब ना पाप है और ना ही पुण्य है, अब ना अच्छाई है और ना ही बुराई। प्रेमियों, तुम्हें कोई कैसे पकड़े जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुमने चोरी किया नहीं और ना तुम्हारे पास कोई सामान है, ना यहाँ के यमदूत तभी तुम्हें पकड़ सकते हैं, ना को चौरासी में ले जा सकते हैं, फल दे सकते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो। अब ना तो पाप रहा और ना तो पुण्य रहा, कुछ है ही नहीं, सब बराबर, केवल जीवात्मा है और परमात्मा है, तो उसके पास कुछ है नहीं, उसी का तुम फल दोगे तो फल देने वाली कोई चीज रहेगी नहीं, और ना दंड देने वाली कोई चीज रही, तो सीधे जीवात्मा परमात्मा के पास जाएगी।
तो ऐसा करो कि प्रभु से मिलन हो जाए। अभी नवरात आएंगे, गणेश जी का पूजन आएगा, फिर नवरात आएगी, दशहरा होगा, दीपावली होगी, रामलीला होगी, हर चीज होगा। और उसमें यही बताया जाएगा कि प्रभु का भजन करो, माता रानी का गुणगान करो, नहीं करोगे तो कल्याण नहीं मिलेगा। अब कितना मानते हो कितना नहीं मानते हो, ये भारतवर्ष है, धर्म भूमि है, यहाँ संत महात्माओं का काम, समाज सुधारकों का काम यही बतलाता है कि मेहनत ईमानदारी से काम करो, अपने घर के पर, गांव के पर, शहर के पर, जिले के पर, प्रांत के पर और देश के पर वफादार रहो, समर्पित रहो, किसी प्रकार की गद्दारी ना करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और प्रभु की प्रार्थना करो, आराधना बनाना करो। देखो प्रेमियों, जो सच्चे समरस संसद गुरु से नाम दान लेते उन्हें पांच नाम का वो नाम दान देते, पांच नाम के साथ एक संपुट होता है, नाम होते हैं छह, एक आम नाम होता है जो चौबीसों घंटे उस आगामी महाप्रभु का होता है, जो सिद्ध किया जगाया हुआ होता है। पांच नाम वो है जो सदा सर्वदा से चले आए, सदा सर्वदा से चले आए, कबीर साहब से लगा करके अब तक जितने साहब आए उनके साथ चले आए। लेकिन एक नाम वो अनि अनामा का ऐसा होता है जो वक्त के संत सतगुरु के साथ होता है, उसी से उस समय कल्याण होता है। तो वक्त के संत सतगुरु की खोज करनी पड़ती है, वक्त के संत सतगुरु के यहाँ होता क्या है, ये शिव नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरी आंख खुलती है, अंतर में दिखाई सुनाई पड़ता है, नाम दान ले लिया, दिखाई सुनाई नहीं पड़ा, कर्म बीज नहीं जला, मुक्ति नहीं मिलेगी, मनुष्य शरीर मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और गोस्वामी जी ने लिखा है, सभी स्वामी जी ने बताया कि जन्म तुम्हारा दुसा दुख हुई, इतना बड़ा कष्ट होता है जन्मते और मरते समय कि पूछो मत। अगर साधना बन गई, आराधना बन गई, साधना बन गई तो पता चला कि अब हमें जाना है, बैठ गए चुपचाप, निकल गए उधर, शरीर इधर है, चलो भैया काम रहता है। किसकी दया से? इस प्रभु की दया से, इस स्वामी की दया से, इस सतगुरु की दया से। सतगुरु अजर अमर है, अविनाशी है, कभी जन्मता या मरता नहीं, ये हमारा धर्म है। ये मनुष्य रूपी मानव बोले कपड़ा है, ये कपड़ा बराबर बदलता रहता है, लेकिन जीवन में वो एक है, यहाँ से उठकर वहाँ, वहाँ से उठकर वहाँ। अगर तुम सच्चे गुरु भक्त हो, सच्चे सत्संगी हो, सच्चे अपने स्वामी के भक्त हो, तो अंदर में पता लगाओगे कि इस कपड़े से निकल करके वो हंसा, वो साचा सतगुरु किस कपड़े में किस जगह गया, रहेगा तो भी धराधाम पर, क्योंकि संतों का सिलसिला आना बंद नहीं होगा। जो समर संत सतगुरु होगा उसी के बारे में अंतर में इंगित होगा, शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, जो शब्द सुनावे अंदर में वही गुरु पूरा होता है, और उन्हीं के चरणों में गिनना है, किसी दूसरे के चरणों में गिनने की जरूरत नहीं। आप गए प्रेम का, महाराज जी हमें भी कुछ बता दीजिए, हम भी बजेंगे, कहा जा राम राम करो बच्चे, राम राम तो आप वैसे भी कर रहे हो, माता पिता ने बताया राम राम, कृष्ण भगवान माता रानी तो वंश में चला रहा है, हिंदुत्व में चला ही आ रहा है, पर आपने कह दिया राम राम करो, तो किस तरह करेंगे, या किसी भी नाम की साधना हम किस तरह करें, वो पूरा वृत्तांत बता वो समझा। और बहुत जगह तो ये होता है, धागा सा होता है, उसको बांध दिया, कहा ये धागा इसको बराबर पहनते रहना, ये कंठी इसको बराबर लटकाए रहना, और देखो
अदब थाली बजाते रहते, शंख बजाते रहते, कान में फूकते रहते। अरे भाई कान में क्या फूका, कोई हवा आ रही क्या? सीधे सीधे बताओ कि ये हरि का नाम है, ये प्रभु का नाम है, ये इसका नाम है, ये इनका स्वरूप है, ये इनका रूप है, इस तरह तुम्हें बैठना है, इस तरह साधना करना। देखो योगा बताते हैं बाबा रामदेव जी हरिद्वार, तो पूरा बताते हैं किस तरह से, इस तरह से करना। वैसे हमारे सदगुरु पूरा बताते थे किस तरह सुमरण, किस तरह ध्यान, किस तरह भजन करना है तुमको, और इस तरह बैठना है सुबह भजन। आप सोच रहे हो कि घंटी बजाएंगे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे प्रार्थना करेंगे, वो तो ठीक है, वो आपका भाव है। इसके अलावा अंदर में घंटी बजती, उस प्रभु राम के दरबार में दो प्रकार की आवाजें होती है। क्या आवाजें होती हैं? एक तो घंटा बजता है, दूसरा बजता है संत। वो अनावर्त बजा करता है, और ये मंदिर है तुम्हारा, इसमें राम जी की बैठक है। तो इस राम जी की बैठक वाले मंदिर में जब हम इन दोनों कानों को बाहर की आवाज बंद करते हैं, तो अंदर में जब राम जी का याद करते हैं, तो उधर से वो आवाजें सुनाई पड़ती, पूरी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, और जैसे आवाज सुना वैसे उधर को चले। और वहां पहुंच गए, राम जी के दर्शन को भी किया, सत्संग को भी सुना, गुरु जी के दर्शन को किया, वापस आ गया। देखो प्रेमियों, जैसे अपना गांव क्षेत्र है, मोहल्ला है, अभी कहीं जाग रहे या कुछ है, उधर से जब बजने की आवाज आएगी तो मन उधर ही को कि उधर ही चले। तो अंदर में जो शब्द निधि गुरु होता है, जो शब्द से श्रद्धी आत्मा जाती है ऊपर, उसका मार्ग बड़ा सनसनाई वाला। इसके बाद में ध्यान योग साधना, फिर सुमिरन। सुमिरन ध्यान भजन तीनों एक ही चीज है, सुमिरन पक जाए तो ध्यान बन जाए, ध्यान बन जाए तो भजन बन जाए, और जब ये तीनों बन जाए तो आत्मबोध आत्म कल्याण हो जाए, मुक्ति पद मिल गए। पर करोगे तभी पाओगे, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ये संसार, यहाँ प्रभु ने कहा है कि कर्म विधान विश्व रचराखा जो जसकीन दास फल चाक चाक, जैसा करोगे वैसा मैं फल देने के लिए बैठा। और ये भी कहा है, काल रूप में सब कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काल मतलब समय का रूप है मेरा, और मैं बैठा हुआ है, अच्छे और बुरे का फैसला करता हूँ, उसी का फल देता हूँ तुम। हमारी तरफ से छोटे कुछ नहीं करेंगे, तो हम अच्छा अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, जो भी अब अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, पर प्रभु के भजन में अच्छा बुरा नहीं होता। काम करने में अच्छा बुरा हो सकता है, कुछ लिख रहे हो तो अच्छा भी लिख सकता है, उसमें जो है गलत भी हो सकता है, एक शब्द सही भी हो सकता है, दो शब्द गलत भी हो सकता है, लेकिन प्रभु के राम नाम के भजन में कुछ भी गलत नहीं होता। तो प्रेमियों, ये जो जन्म जन्मांतर से हम जन्मते और मरते आ रहे, अब फिर से मनुष्य जीवन मिला है, तो क्यों ना राम नाम गुड़गाया जाए, क्यों ना प्रभु का गुड़गाया जाए, कि प्रभु का गुणगान करके जो है प्रभु को प्राप्त किया जाए, प्रभु के यहाँ रहा जाए, रोज प्रभु के मंदिर में, रोज प्रभु के घर में भोजन पानी उन्हीं के यहाँ हो। क्या जरूरत है यहाँ कमाने, नाम की कमाई कर लो, और जब नाम की कमाई हो जाएगी तो खूब वहाँ जमा हो जाएगी, वहाँ अपना भोजन पानी मिलता रहेगा, आनंद से सत्संग सुनेंगे, अपने स्वामी सदगुरु ये कहीं नवा सच्चिदानंद प्रभु धामा के घर में रहेंगे। जब सच्चिदानंद प्रभु धामा के घर पहुंचे तो अब किस बात का डर, अब ना कोई डर है ना कोई दर्शन। आज अनाम निर्गुण निराकार शिव अनामी महाप्रभु को कहते हैं, उन्हीं को आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, श्री राम
उन्हीं को कहते हैं, किसी दूसरे को नहीं कहते। राम के हजार नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। नाम तो उन्हीं के हैं। अरे भाई ये कान है, कान इसको इस हाथ से पकड़ लो, इसे चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे उस हाथ से, है तो ये कान ही कान। इसको कान के अलावा कुछ भी और कहा नहीं जाता। श्रवण द्वार कान, यही कर्ण द्वार, यही सब कहा जाएगा, मतलब पर्यायवाची भाषा में। पर है तो कान, आंख है तो है तो इसी तरह प्रभु है तो प्रभु है। तो प्रभु की वंदना आराधना करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य। ये सत्संग जन जो है विवेक पैदा करता है, उल्लास बढ़ाता है कि हमें भी प्रभु का भजन करना है, वरना समय पता नहीं कब पूरा हो जाए। यमदूत आएंगे, हथकड़ी लगाएंगे, हमें ले जाएंगे और क्या क्या करेंगे वहां नरक चौराहे में, कुछ भी पता नहीं है। अगर सांचे सतगुरु के साथ आएंगे तो उनकी दया के पास से बच पाएंगे, वो हमें बचा लेंगे। लोग जब जाने लगते हैं तो उनके मुट्ठी में 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का भी रखता होगा, ये उतराई भर देंगे। अरे इसकी उतराई तो लगती नहीं, यहाँ तो यही जल जाएगा यार, ले लेंगे। वहां तो नाम की उतराई लगती है, कहते नाम लेत भव सिंध सुखाही, करो विचार स्वजन मन। आप लोग विचार कीजिए, नाम लेते भव सिंध सूख जाता है, भव का सागर सूख जाता है और असली राम नाम रूपी गंगा प्रकट होती है, उसमें स्नान करते हैं। तो प्रेमियों इस जीवात्मा का स्नान सत्संग, सत्संग जल जो कोई पावे महिलाई सब कट जाए। अब सत्संग सुन रहे हो, उस प्रभु के दरबार में ये लिखा जा रहा है कि देखो मेरा सत्संग सुन रहे, मेरे नाम का गुणगान हो रहा है तो उसमें लगे हुए उस पर ध्यान दे रहे हैं। पर इसी चीज को सुबह और शाम सच्चे मन से सद्गुरु जय गुरु। अरे सद्गुरु जय गुरु उस प्रभु परमात्मा का नाम, सच्चे प्रभु का नाम, और गुरु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। तो सच्चे सद्गुरु जो बताते हैं उस नाम को भजने से कल्याण ही कल्याण होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता और ना आपका अपमान होता है। और पाप और पुण्य ये दो चीज, तो जहां तक हो सके अच्छा ही करो, बुरा करो मत, पर अच्छे को भी खत्म करना होगा। नाम भजन में अच्छा बुरा दोनों खत्म होता है। संतों के दरबार में वो अच्छा है तो भी खत्म और बुरा है तो भी खत्म, कांटा एक समान। जब आप जाते हो बनिए की दुकान पे तो तौल के देता है, वो तो जरा से झुकता दे देता है जरा से कि हाँ देखो पूरा है, कब हमने नहीं दिया। पर सोनार की दुकान पे जाओगे तो उसका कांटा बराबर रहेगा, ना तो इधर और ना तो उधर। ये 10 ग्राम है तो 10 ग्राम पूरा का पूरा है। तो ये समझ लो, उसके पास इधर उधर वाला नहीं रहता। वैसे आपके पास जो शत्रु है वो कंचन करत खरु, सोने को खरा करता, तपाता है, फूटता है, जलाता है, उसको फिर से जो है अच्छा बनाता है। शराब के यहाँ क्या काम है, सोने को लिया, गलाया, उससे सुंदर सुंदर आभूषण बना दिया। आप वे कहा रे बहुत अच्छा, कितने का है, कितने का पैसा दिया, दिया बनाया किसने है, गलेगा तो है वो सोने, एक बट्टी
लेकिन जब उसको कारीगर करके बना दिया तो अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया, बड़ी कीमती थी। तो प्रेमियों, जब सदगुरु मिल गए, सूरज जीवात्मा जाग गई, उस प्रभु के घर में पहुंच गई, तो कितना अच्छा काम हो जाएगा, तुम्हारा तो सब कुछ बन जाएगा, तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे, भूत भविष्य दोनों संवर जाएगा और सच्चा सदगुरु का नाम प्राप्त हो जाएगा। तो सदगुरु का भजन करना, नाम प्राप्त करना, ये आपका कर्तव्य है, सच्चे सदगुरु की खोज। और जब तक नहीं मिलते तब तक सदगुरु जय गुरुदेव की पांच माला, सुबह पांच माला वैसे होनी, हाथ नहीं करना ज्यादा हो तो पांच उंगली हाथ में पांच कर लो, अरे नहीं दोनों हाथों की करना हो तो दस कर लो। बैठ गए, नाम आंख बंद कर लिया और माला लिया, उसके सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु 108 आने की, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, प्रभु को याद करते रहे, बोलते रहे, प्रभु जी दर्शन जरूर देंगे, ये प्रमाण है। और जिसका जो नाम होगा उसी नाम से पुकारोगे तो वो आएगा, दूसरे नाम से पुकारोगे नहीं आएगा, उससे क्या मतलब। तो सच्चा प्रभु जो है, सच्चा सदगुरु है, उसका नाम जब पुकारोगे तो आएगा। प्रेमियों, सत्संग या भजन, ये घड़ी आधी में पुन हाथ, वो स्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो आप साध का संग करो, संत का संग करो, संत का अंत नहीं होता, किस चीज का उसने ज्ञान रूपी गंगा का अंत नहीं होता। शरीर तो सबके जाते आते रहते हैं, जब शरीर आते जाते रहते हैं तो शरीर का क्या है, इस सूरत का क्या है, यही सूरत स्वर्ग में रहती है, यही सूरत ब्रह्मपुरी में रहती है, यही बैकुंठ में रहती है, यही शिवपुरी में रहती है, यही आज्ञा महाशक्ति के देश में, यही राम के देश में, यही ब्रह्म और पार ब्रह्म पर जाती है, और यही महाकाल पुरुष के देश में, और यही सतलोक धाम भी जाती है। तो जैसा होगा कर्म आपका, जैसा भजन आपका होगा, उस भजन के अनुसार ही आपको प्राप्ति होगी। आप चाहो कि मुझे 10 लाख मिल जाए, तो आपने अगर प्रभु के नाम से 10 लोगों को खिलाया है और प्रभु के नाम पर कुछ दान किया है, तब तो उधर तुम्हारा दान आएगा, जब कुछ किए नहीं तो कहां से मिलेगा। इसलिए करना कृपा का मतलब कहते भैया हम पर कृपा कर दो, दया कर, दया और कृपा का मतलब है, कृपा का मतलब कर तो पाप, कृपा का मतलब है, दया का मतलब यही कुछ करो और दया ले। जब हम दीन होंगे तो दया मिलेगी, दीन नहीं होंगे दया नहीं मिलेगी। प्रेमियों, अपने अपने घरों में रहना है, जब कभी इच्छा हुई काशी मथुरा अयोध्या चले गए, मंदिरों में चले गए, सत्संग सुन लिया, नहीं राम भजन, नाम भजन तो तुमको सच्चे मन से अपने घर में करना है, नहीं पसंद करता है तो जब सोने चलो, कि अब कोई काम नहीं, अब सोने जा रहे, तभी उस प्रभु का नाम सच्चा लेते लेते सो जाओ, तो जब तक सोते रहोगे उस प्रभु का नाम अंदर अंदर मन जपता रहेगा, तब भी तुम्हारा भजन माना जाएगा। कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाता है तो सोते समय नाम लेते लेते सो जाओ, तो भी भजन होता है। यही नहीं कि तुम ढोल बजा रहे हो, मंजीरा बजा रहे हो, घंटा शंख बजा रहे हो, आरती गा रहे हो, वही भजन। भजन तो सच्चा अंतर मन से होता है, आत्मा से होता है, आत्मा और परमात्मा का जोड़ होता है।
बाहर से खुश, अंदर मन से पुकारोगे सारा काम हो जाएगा। तो सारे काम को बनाने के लिए हमें अंदर में भजन करना है। प्रेमियों, हमारी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग लग करके सुबह शाम भजन करना। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव, मानवा सतगुरु को तू भजले, किसने राम बतायो है, किसने राम बतायो है, लख चौरासी के बंद कटा कर, लख चौरासी के बंद कटा कर, नाम गहायो है, मनवा सतगुरु नाम को भजले, सतगुरु नाम को भजले, तुझे राम नाम मिलेंगे, तुझे राम नाम मिलेंगे, राम पिया तुझको मिल जाए, संत कथा में जब तुम जाओ, संत कथा में जब तुम जाओ, सतगुरु जी को शीश झुकाओ, सतगुरु जी को शीश झुकाओ, मानवा तब तुम नाम भजन को गाओ, तब तुम नाम भजन को गाओ, सतगुरु तुम्हें नाम जो दीना, सतगुरु तुम्हें नाम जो दीना, उससे से अमर लोक में जाओ, करो